नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के कारण होने स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ने का एक रीजन, स्ट्रेस। तनाव या स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, वो हमारा पार्ट एंड पार्सल बन चुका है अब लाइफ का। डेडलाइंस होती हैं हमें मीट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी बहुत हो चुकी है, इसके कारण हमारा दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये सिर्फ एक प्रोफेशन को ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी प्रोफेशन हम ले लें, हर किसी के प्रोफेशनल लाइफ में एक स्ट्रेस है और उसके साथ एसोसिएटेड होता है फैमिलियल स्ट्रेस ऑल्सो। फैमिली की तरफ से भी हमें, हमारी फैमिली की तरफ से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमें निभानी होती हैं, जो डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ लोगों के लिए बैलेंस करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ लगता है कि हमारा स्ट्रेस जो है ओवरकम नहीं हो पा रहा है, हमारे को दिक्कत हो रही है बैलेंस करने में दो चीज़ों को, तो इट इज़ नॉट रॉन्ग टू सीक एन ओपिनियन फ्रॉम अ सर्टिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। वी शुड ऑलवेज बी ओपन कि वी शुड टेक अ ओपिनियन फ्रॉम अ सर्टिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल एंड शुड फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। बाकी कुछ ऐसी इंटरवेंशन होती हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट है योगा, स्पेशली उसमें प्राणायाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कई लोगों को योगा प्राणायाम करने के बाद स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के बाद भी कुछ लोगों को स्ट्रेस से कोप अप करने का मिलता है, साहस मिलता है और उसके कारण काफ़ी पेशेंट स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। फिर कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डे टू डे प्रोवोक कर देती हैं, जैसे कई बार कुछ लोग रोड रेज में आ जाते हैं, ट्रैफिक के कारण दिक्कत हो जाती है। ये हमें मानना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनके लिए हमें सिर्फ एक काम माइंड के साथ अप्रोच करना बहुत इम्पोर्टेंट है सिचुएशंस को। तो इम्पॉर्टेंट है हम अपने लाइफ से स्ट्रेस को कोप अप करने की कोशिश करें। स्ट्रेस एलिमिनेट तो नहीं होने वाला है, कहीं जाने नहीं वाला है, स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी आगे और जाके, शायद और स्ट्रेसफुल लाइफ हो। तो हमें कोप अप करने की स्ट्रैटेजीज पता करनी चाहिए और उनको एडियर करना चाहिए। थैंक यू।